कि टमाटर का जूस निकालें 50 ग्राम एक बार में होना चाहिए और इसको कपड़े से छान करके ड्रॉपर से एक एक दो दो बूंद आँख में डालें, बाकी पी जाएं। 50 ग्राम पीने में आपने कम से कम 20 मिनट लगाने हैं। सुबह खाली पेट लेना, दोपहर को खाना खाने के एक घंटे बाद लेना और रात को खाना खाने के एक घंटे बाद लेना, और जिस टाइम लेना उस टाइम दो दो बूंद आँख में इसकी डालनी भी है। और यही तरीका आम का है, मीठा आम का रस 50 ग्राम सुबह, 50 दोपहर को खाना खाने के एक घंटे बाद, 50 ग्राम रात को खाना खाने के एक घंटे बाद लेते हैं और उसमें से दो दो बूंद फिल्टर करके आँख में डालते हैं, तो हफ्ते में आपका रतौंधिया ऐसे साफ होना शुरू हो जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आपके पास इन दो चीज़ों की सुविधा नहीं है तो आप जहाँ भी कहीं मधुमक्खियों का छत्ता हो वहाँ किसी से शहद तोड़ा लें, उस शहद को आप शीशे में रख लें, इसमें से चार चार चम्मच आप सुबह दोपहर शाम को ऐसे भी चाट सकते हैं, नींबू का रस डाल के भी चाट सकते हैं, पानी में घोल के भी पी सकते हैं, तो भी विटामिन ए की कमी को दिन दोगुने रातें चौगुनी भरता है। और आँख में जैसे काजल लगाते हैं ऐसे आपको तीन बार लगाना, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार रात को सोती बार। तो तीनों चीज़ें जो हैं ये रतौंधिया को ऐसे काटती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्शिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु एक बात पर विशेष ध्यान देना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, शराब, आर्टिफिशियल खाने सारे बंद करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ वैष्णो खाना, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा। हरी सब्ज़ी जो आपने कोई भी खानी है उसका छिलका नहीं उतारना, छिलके के साथ बनानी है, क्योंकि सिल्ली गौन जो है वो सारा छिलके के साथ होता है। सिल्ली गौन और विटामिन ए से ही सबसे ज़्यादा रतौंधिया होता है। ऐसे तो पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये आपके शरीर में पूरा है तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं पड़ेगी। परंतु इन चीज़ों में यदि किसी में कमी आ गई तो आपका विटामिन ए कभी पूरा नहीं होगा। और आम में, शहद में और टमाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, परंतु टमाटर पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं। कभी भी किसी भी चीज़ का प्रयोग करना है जिसका जूस निकालना हो, हमेशा पकी हुई चीज़ होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। कच्ची में लेते हैं सिर्फ लौकी, गाजर, शलगम, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, इनका कच्ची का जूस निकाल के पीते हैं, बाकी सब चीज़ों का पकी हुई का जूस पीते हैं। और जिनको रात को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है उनके लिए चौथा उपचार है नींबू से, परंतु ये लगता बहुत है। आधे नींबू का रस सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी में, दोपहर को खाना खाने के 10 मिनट बाद, रात को खाना खाने के 10 मिनट बाद, और इसमें से एक एक बूंद आँख में फिल्टर करके डाली जाती है, तो रतौंधिया ऐसे कटता है जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे साफ हो जाते, ऐसे आपका
विटामिन ए की पूरी पूरा होता है और आँखों के अंदर जो भी किसी किस्म का इफेक्शन है उसको नींबू साफ कर देता है। परंतु ये बड़ा आदमी सहन कर लेता, बच्चा सहन नहीं करता। तो बड़े के लिए तो ये ठीक है, छोटे को कभी भी इसका उपचार नहीं करना। अब खाना दिन में 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तो आपको दिन दोगुने रातें चौगुनी लाभ होगा।